I'm the bitch hunt cause I'm so fly, so fly. सच में थक गया यार. वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. और आज की इस वीडियो में वाल्मीकि नगर का हमारा ट्रिप ख़त्म हो जाएगा. ये वो मेन रिजॉर्ट है, वो जो पार्क जैसा था उसके आगे जब आप आओगे तब ये रिजॉर्ट मिलेगा आपको. और बहुत अच्छा बनाया है और दूसरा पार्ट बन रहा है जो रोड के लेफ्ट साइड में था, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. तो जब ये बन जाएगा तो अच्छा खासा एकोमोडेशन की व्यवस्था यहाँ पर होगी. आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी. आप आराम से जाके दो दिन वहाँ हॉल्ट करके अच्छे से जंगल सफारी का मज़ा ले सकते हो. वहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना गंडक बैराज से होते हुए थोड़ा नेपाल के अंदर भी जाके थोड़ा देख के आया जाए. ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि इतना टाइम नहीं था, पर थोड़ा सा जाना बनता था. और बेसिकली गंडक बैराज काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा और काफ़ी विशाल स्ट्रक्चर है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है. और ये इंडिया और नेपाल का ऑफिशियल बॉर्डर भी है. बैराज की एक तरफ आपको इंडिया की चेकिंग मिलेगी, जहाँ SSB आपकी चेकिंग करेगी, आपकी गाड़ी की अच्छे से चेकिंग होगी, स्पेशली शराब वगैरह की धरपकड़ की जाती है वहाँ पर. और वहाँ पे अगर आपके गाड़ी में शराब वगैरह कुछ मिलता है तो अच्छा खासा फ़ाइन और शायद जेल का भी प्रावधान है. नेपाल साइड में इतना चेकिंग नहीं होता है, पर हमारी जो पुलिस है वो अच्छे से चेकिंग करती है. यस, मैं बबुआ बोल रहा हूँ और अब मैं गंडक बैराज की ओवर लेक सुनाऊंगा. यह गंडक बैराज है, इसका आधा हिस्सा इंडिया में और आधा हिस्सा नेपाल में है. गंडक बैराज की लेफ्ट साइड अली नदी को निदारी नदी और गंडक बैराज के राइट साइड अली नदी को गंडक नदी कहते हैं. इस बैराज के ऊपर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, पर मैं एक नंबर का डीट हूँ इसलिए मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ. हालांकि मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, पर फिर भी अगर मुझे पुलिस वीडियोग्राफी करके पकड़ लेती है तो मेरे पिछवाड़े पे डंडों से प्रहार करेगी. थैंक यू. सच पूछो तो नेपाल में पहली बार ऐसी पक्की सड़क देख रहा हूँ. ठोरी वाली पूरी ट्रिप में अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो एक जगह भी ऐसी सड़क नहीं है. और पहला एक्सपीरियंस है नेपाल में मैं ऐसी सड़क पे जा रहा हूँ. और हम जा रहे हैं एक मंदिर में, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है. चलो आगे दिखाता हूँ. भैया भैया वीडियो बना रहे हो? भैया ये मुक्तिनाथ टेम्पल का शीश महल है. दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑन द ट्रिप. मुझे बहुत पसंद आया ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो आइडिया है इसके पीछे का, जो खूबसूरती है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छी लगी. ये बहुत छोटा सा है, आपको देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट ये क्या है कि आईने लगे हुए हैं तो उसका रिफ्लेक्शन की वजह से ये इतना ज़्यादा बड़ा नज़र आता है. ये एक्चुअली में सीता जी और राम जी का छोटा सा एक टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत है अंदर. हालाँकि गर्मी काफ़ी होती है क्योंकि ये पूरा शीशा का बना हुआ है, बट ये कमाल है, बहुत ही सुंदर है ये. आप अगर जाओ तो ये चीज़ जरूर देख लीजिए. वाल्मीकि नगर अगर जा रहे हो तो ये चीज़ तो ज़रूर ही देखो. भैया मेरी भी फोटो लो ना, प्लीज़ ना भैया, प्लीज़. गंदे कही के वाओ, ये कितना सुंदर है. मुझे घर नहीं जाना, मैं यही रहूंगा. ये बहुत सुंदर है, मैं मुझे नहीं जाना घर. तुम लोग चले जाओ सारे के सारे. हाँ बेटा चुप हो जा, मुझे बात कर लेने दे. तो ये मेन मुक्तिनाथ टेम्पल अभी बन रहा है. ये सामने हाथी देख रहे हो, ये इतना सुंदर बनाया है जो बिल्कुल रियल लग रहा है. अभी ये पूरा बना नहीं है, बट जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, काफ़ी सुंदर और काफ़ी भव्य लग रहा है. ऐसे ये किसी रथ की शेप में बनाया गया है. और कसम से यार, पहली बार देखने के बाद तो बाहुबली मूवी की याद आ गई थोड़ी सी. और ये भी बहुत सुंदर, ये पेंट स्कीम जो था ना, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी चमकीला लग रहा था. हालांकि पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, बट ये कलर एक्चुअली में काफ़ी डीप था और काफ़ी वाइब्रेंट लग रहा था. ये यहाँ छोटे छोटे मंदिर है और साइड में एक जगह छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है बकायदा. वो पता नहीं किस चीज़ की उनकी शिक्षा होती है, शायद वो सनातन धर्म के बारे में या पता नहीं और सारी चीज़ें, क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं तो उसके बारे में बोलना सही नहीं होगा. बट ये बहुत ही सुंदर टेम्पल है. ये जो मेन बिल्डिंग है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट बन जाने के बाद तो ये कमाल ही लगेगा.
तो बस वाल्मीकि नगर का ट्रिप होता यहीं पे ख़त्म। पूरा ट्रिप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। So fly. All the bitches love me cause I'm so fly. So fly. All the bitches love me cause I'm so fly. So fly. All the bitches love me cause I'm so fly. So fly. All the bitches love me cause I'm so fly. So fly. All the bitches love me cause I'm so fly. So fly. All the bitches love me cause I'm so fly. So fly.